इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम से पहले एक बार सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको ट्रिगो के फॉर्मूले और मेंसुरेशन के फॉर्मूले अगली वीडियो में मिलेंगे। ट्रिगो के फॉर्मूले ऑलरेडी मैंने अपलोड करके वो आप वहाँ से देख सकते हो, और मेंसुरेशन की सेपरेट वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी। इसमें बाकी सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको मैं रिवाइज कराऊंगा, तो एंड तक देखना। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एग्जाम से पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहले इसमें जो एग्जाम में आता है फर्स्ट चैप्टर से, एस एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब ये फॉर्मूला, इससे हम और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें फर्स्ट नंबर निकालना हो, तो ये सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में इक्वल से पहले आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस एफ मल्टीप्लाई एल सी एम अपॉन में सेकंड नंबर, या अगर सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा। तो इसी एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बन सकते हैं, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों में अंतर होता है। जब ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके इक्वल टू में जीरो लगा दिया जाए तब तो होती है वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जीरो नहीं लगा इसका मतलब क्या, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ओके, ए की वैल्यू जीरो नहीं, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो दैट मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगी, और ये टर्म जीरो होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी नहीं, ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो इसमें जो एक फॉर्मूला ये पूछा जाता है आपसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, यानी इसको बोलते हैं हम सम ऑफ रूट्स, शून्य को का योग। ओके, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है। इसको हम ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप एग्जाम बुक्स में देखा होगा, आपने लिखा हो माइनस बी का मतलब क्या होगा, बी यानी इसका कॉफिशेंट, तो माइनस कॉफिशेंट ऑफ बी, ये कॉफिशेंट ऑफ एक्स सॉरी, और अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होगा वो क्या होगा, ए। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट टर्म, सी तो अपने आप में कांस्टेंट होता है, और ए को क्या बोल सकते हो आप, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो दोनों तरीके सही है, या तो यहाँ पे लिख लो कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस में और अपॉन में कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वैसे इधर भी। उसके अलावा इक्वेशन बनाने की, पॉलिनोमियल बनाने के लिए जो कंडीशन होती है वो डायरेक्ट हम ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या के यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, या जिसे हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, और उसके बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उसके अलावा एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इस तरीके को और फॉर्मूले पढ़ने हो तो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने पॉलिनोमियल वाले प्लेलिस्ट में डाल रखी है, आप उसे देख सकते हो डिटेल में। उसके अलावा ये मैंने इस टाइप से मार्क कर रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में अभी लेटेस्ट पैटर्न में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए स्टार मार्क कर रखा है। ओके, बाकी ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये है जिसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि नहीं आएगा, बट कोई गारंटी नहीं एग्जाम से, तो एग्जाम में आ भी सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। और थर्ड कंडीशन है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये कब, जब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना होकर वो पॉलिनोमियल किस तरीके से होगी, ए एक्स की पावर 3 या ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है जो क्यूबिक इक्वेशन है पावर 3 में के फॉर्म में, तब हम अल्फा बीटा गामा, क्योंकि इसमें जितने देखो यहाँ पे क्या पावर कितनी, 3 है, यहाँ पर पावर कितनी है, 2। तो जब पावर 2 होती है तो उसके 2 जीरोज हो सकते हैं, पावर 3 है तो 3 जीरोज, पावर 4 है तो 4 जीरोज, तो 3 जीरोज वाले में अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज हो सकते हैं। तो इस तरीके से फॉर्म लगाते हैं। आइए आगे और देखते हैं। अगर दो लीनियर इक्वेशन वाले फॉर्मूले की बात करें, जब टू लीनियर इक्वेशन गिवन होते हैं उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, तो टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में होंगी दो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, और ऐसे ही ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इस केस में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू का रेशो इक्वल नहीं है, उस केस में जो लाइंस बनेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, यानी प्रतिच्छेद करती रेखा, दो रेखा आपस में क्रॉस करेंगी। और इस केस में अगर पूछा जाए इक्वेशन कैसी होगी, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी और इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है। ओके, अगर जब ये सारे के सारे इक्वल हों, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू और इक्वल टू में सी वन अपॉन सी टू, तो लाइंस जो ग्राफ की कैसे बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक ही लाइन बनेगी, मतलब कि दो ग्राफ तो हम बनाएंगे सॉल्व करके, लेकिन एक के ऊपर ही एक लाइन हो जाएगी तो दिखेगी नहीं, एक ही लाइन दिखेगी हमें। इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, अपरिमित रूप से अनेक हल। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। तीसरे कैसे, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो इसमें लाइन कैसी बनती है, पैरेलल लाइंस बनती है, और इक्वेशन कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होती है, और इसका नो सॉल्यूशन होता है,
ये तीन केस है, तीनों को ध्यान रखना ओके। ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखो कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट और ये इनकंसिस्टेंट, जब सेकंड वाले में नॉट इक्वल टू, बस इसको ध्यान रखना, जब सेकंड वाले में नॉट इक्वल टू होगा ना तो कैसी इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होगी ओके। इसमें नो सॉल्यूशन भी होता है और पैरेलल लाइंस होती है, और बाकी जब सारा बराबर है यानी कोइंसिडेंट लाइंस, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं टू लीनियर इक्वेशंस में ही अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला बनाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 है ना, तो सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से करके लिखना, b1 b2 c1 c2, b के बाद क्या आएगा c, और c के बाद हमारे पास अगर abc तीन टर्म है तो साइकिल कैसे चलेगी, a b के बाद c, c के बाद फिर दोबारा कहाँ पहुँच जाएंगे a पे, तो हमने b से स्टार्ट करेंगे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और a के बाद फिर दोबारा, मतलब b से स्टार्ट करेंगे और b पे एंड करना, इस तरीके से लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई और इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो जो कंडीशन आएगी वो एक्स के लिए सॉल्यूशन होगा, b1 c2 b2 c1 ओके, और इक्वल टू में ऐसे फिर वाई के लिए करेंगे तो c1 a2 और c2 a1, इक्वल टू में वन के लिए करेंगे तो a1 b2 और a2 b1। इसके बाद जब इतना सॉल्व हम कर लेते हैं इसकी वैल्यू रख के इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी नंबर हमें दे रखा होगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम एक्स वाले को और वन वाले को आपस में इक्वल रख लेंगे और क्रॉस इनटू करके सॉल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे फिर वाई वाले केस को और वन वाले केस को हम इक्वल में रख के सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, देखो वहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में जीरो नहीं था लेकिन इक्वेशन में यहाँ क्या होता है इक्वल के बाद जीरो, यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि a नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। उसके बाद इसके जो तीन केसेस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको बहुत ध्यान रखना कि टू डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, दो अलग अलग रूट, दो अलग अलग भिन्न भिन्न और रियल यानी वास्तविक मूल होंगे, कब होंगे वास्तविक मूल, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू आएगी ना इक्वेशन सॉल्व करने पर वो जीरो से बड़ी होगी, तभी दो रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। जैसे जब मैं हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मान लो वन आ गई, टू आ गई, फोर आ गई, फाइव आ गई, 25 आ गई, कुछ भी आ गई, अगर वो जीरो से बड़ी है तो रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे ओके। उसके बाद अगर टू इक्वल एंड रियल रूट्स, दोनों के दोनों रियल रूट्स हो, रियल वैल्यूज हो और इक्वल भी हो, दोनों के दोनों सेम हो, कब होगा ऐसा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को सॉल्व करेंगे इसमें से वैल्यू रख के, यहाँ बी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, ए की वैल्यू ले लेंगे और सी की वैल्यू, और इस पर सॉल्व करेंगे तो अगर वो जीरो आ जाती है सॉल्व करने पर, तो जीरो वाले केस में क्या होता है कि रियल रूट्स होते हैं और इक्वल रूट्स होते हैं दोनों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो पावर टू होती है, तो इसलिए दो ही रूट्स आ सकते हैं इसके, टू रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी हो सकते हैं, काल्पनिक हो सकते हैं, कब, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो होगी ना वो क्या होगी माइनस में हो सकती है ओके, माइनस में होगी, जीरो से कम होगी, उस केस में तीसरी कंडीशन पॉसिबल है ओके। फॉर्मूला डी का क्या होता है, डी को डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओके, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है अपने आप में डी के इक्वल होता है। तो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और जहाँ पे ए जीरो नहीं होगा वो तो आपको मैंने कई बार बता दिया है, तो उस केस में जो रूट्स उसके बनेंगे वो इस फॉर्म में होंगे, यानी इस फॉर्म से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मैंने क्या लिखा था कि डी के इक्वल में, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जगह क्या लिख सकते हो डी, तो सेम फॉर्मूला इसी को ऐसे लिख दिया गया और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हटाकर डी लिख दिया गया, तो आप दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हो ओके। अब ये जो फॉर्मूला है या ये फॉर्मूला ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो उसकी जो वैल्यू होगी वो या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी, तो ऐसे ही इसी को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब बोला जाता है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी ओके। होपफुली समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके बताना, एग्जाम टाइम में रिवीजन मैंने सोचा करा ही दूँ इसे, और उसके बाद मेंसुरेशन के लिए आप टेंशन मत लेना, उसकी वीडियोज भी आ रही है, उसके सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको सिर्फ मेंसुरेशन, उसमें 12th और 13th चैप्टर जो है आपका उसका। इसके बाद हम एपी चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर लेते हैं। तो द जनरल फॉर्म ऑफ एपी ऑफ एन ए पी इज ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, इस तरीके से होती है जनरल फॉर्म ए पी की, कि मतलब पहला टर्म अगर ये है तो दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, इस तरीके से सोन आगे चलते रहेगा। ए को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं और डी को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इन दोनों का जो अंतर आएगा उसी को हम डी बोलते हैं। इसमें से जब इस वाले टर्म में से इसको घटाओगे तो
कितना आएगा, डी आएगा, तो उसी को हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे, सार्व अंतर, समान अंतर, यानी कि सब में अंतर समान होता है। जब भी किसी सीरीज में अगर डिफरेंस सेम होगा तभी उसे हम कॉम एपी में बोल सकते हैं। जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने बोला तो सब में एक एक का डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एपी में है। द टर्म ऑफ एपी इज डिनोटेड बाय, एपी की टर्म को हम किसे डिनोट करते हैं, जैसे ए या ए वन बोल लो, इसे ए बोल लो या ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर एंड सो ऑन ए एन तक। ओके, तो जनरल टर्म जो होगी ना, जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स और एन का मतलब जनरल टर्म, यानी कौन से नंबर की टर्म है। ओके, जैसे मान लो कोई सीरीज में और मुझे बोला जाता है कि इसका एट्थ टर्म निकालो, यानी एट्थ टर्म पे क्या वैल्यू आएगी, आठवें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, तो हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। ओके, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ नंबर्स, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अभी ये याद कैसे रखोगे, देखो ये जो कंडीशन है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये जो प्रोसेस, ये जो कंडीशन है, सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है, और आगे क्या कर दिया यहाँ पे, इसको ए को टू से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और इधर एन बाय टू लगा दिया गया है, होपफुली याद हो जाएगा। उसके बाद एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एल, एल का मतलब लास्ट टर्म, या इसी एल को आप ए एन भी लिख सकते हो, या ए एल, इसी एल को टी एन भी लिख सकते हो, एल एल हो गया, एन हो गया, और सॉरी एल ए एन और टी एन, ये तीनों आपस में क्या होता है, तीनों सेम टर्म है, पेपर में एग्जाम में आपको कुछ भी लिख के दिया जा सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी तीन टर्म है और तीनों टर्म ए पी में है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो आप वहाँ देख सकते हो। आइए आगे और देखते हैं। उसके बाद मैं एक कंडीशन और आपको बता देता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिया जाता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला डायरेक्ट आप लगा सकते हो, हालांकि इसको और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड टेंथ टर्म फ्रॉम द, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, फाइंड टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी, एक ए पी दे रखी है आपको 2, 4, 6 एंड सो ऑन 200 तक, इसको बोला अंतिम पद से, एंड बोला ना, एंड का मतलब या लास्ट बोल सकते हैं वहाँ पे, अंत से यानी बैक साइड से, स्टार्टिंग से नहीं, बैक साइड से अगर हम काउंट करें तो टेंथ नंबर पे क्या आएगा वो निकालना है। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, जो भी टर्म निकालेंगे वो लिखेंगे, अगर टेंथ निकालेंगे तो टेंथ, अगर फिफ्थ निकालें तो क्या लिखते हैं, फिफ्थ, तो टेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, और उसका डायरेक्ट फॉर्म लगा देंगे एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी। ओके, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला लगाते हैं पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, आइए सिक्स अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें जो सेवन चैप्टर है आपका, इसके फॉर्मूले में चार फॉर्मूले हैं जो मेन फॉर्मूले हैं, उनके मैं अगर बता दूँ, जैसे दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी, दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है ए और बी, अगर इनके बीच की इनकी लेंथ निकालनी हो, ए बी की लेंथ या ए और बी के बीच की दूरी निकालनी हो, डिस्टेंस, तो अगर या तो इनकी लेंथ निकालनी है और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से लेंथ ऑफ ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और टोटल पे क्या होता है अंडर रूट, यानी अंडर रूट के अंदर क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। उसके बाद एक कंडीशन और आपको बता दूँ कि कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, ऑर्डिनेट ऑरिजिन के मतलब यानी मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक, वो क्या होते हैं 0, 0, इसके बेस पे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी एग्जाम में आया था, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अभी मैं लास्ट में आपको एक ग्राफ और समझा दूंगा उसमें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, वो भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद सेक्शन फार्मूला की बात करें तो सेक्शन फार्मूला जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आना चाहिए बिल्कुल एग्जाम में। तो सेक्शन फार्मूले में जैसे मान लो आपको दो पॉइंट दे रखे थे ए और बी, वैसे दो पॉइंट ए और बी दे रखे, इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, और बोले कि नहीं इसी लाइन पे ना कहीं पे भी कोई एक और पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है या कुछ भी है, और उसमें रेशो जो है ना, वो पॉइंट जो है ना पर्टिकुलर इस लाइन को किसी रेशो में डिवाइड करता है, 1:2 या के रेशो 1 या एम 1:m2, कोई भी रेशो हो सकता है, तो या तो रेशो गिवन होगा तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट के मतलब पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वन एक्स कॉमा वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी आपको। ओके, पी के कोऑर्डिनेट यानी कि पी के कोऑर्डिनेट हम मान लेंगे एक्स और वाई, ये निकालना होगा, या फिर एक्स वाई दे रखा होगा तो रेशो आपको निकालना होगा, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होगा कि एक्स के लिए यानी इसके अगर एक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लें पी पॉइंट पे, तो एम वन एक्स टू, देखो कैसे याद करना है, एम वन होगा तो एक्स टू होगा प्लस एम टू होगा तो एक्स वन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन में एम वन प्लस एम टू, और ऐसे y के लिए अगर आप करोगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर m1 होगा तो y2 होगा प्लस m2 होगा तो y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ध्यान के रखना आपको, वी कैन टेक रेशो एज k रेशो 1, इस रेशो का m1 m2 लेकर सॉल्व नहीं करें क्योंकि m1 m2 से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा,
आप के रेशो वन मान के हमेशा अगर रेशो ना दिया हो, रेशो निकालना हो आपको फाइंड आउट करना, तो आप क्या रेशो ले सकते हो, के रेशो वन। अगर रेशो गिवन होगा तो उस रेशो का यूज करोगे, अदरवाइज के रेशो वन ले लेना। ओके, क्योंकि के जो होता है एम वन अपन एम टू के अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, एम वन अपन एम टू, तो ये कंडीशन, इसको ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। उसके बाद हम मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करें। मिड पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है, जब दो पॉइंट दे रखे हो ए और बी, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो और बीच में जो पॉइंट्स काट रहा है, जैसे पी पॉइंट था तो बीच में कहीं कोई पी पॉइंट है, लेकिन वो ये पी जो है ना पर्टिकुलर ए बी लाइन को वन रेशो वन में डिवाइड करते हैं, यानी जितना पार्ट इधर होता है उतना ही पार्ट। मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन थी तो 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इधर, तो यानी 1:1 बनेगा। और जब 1:1 बनेगा तो मिड पॉइंट फार्मूला कुछ और नहीं है, जो सेक्शन फार्मूला वही है मिड पॉइंट फार्मूला। देखो M1 के लिए क्या हो गया 1 और M2 के लिए भी क्या हो गया 1, तो अगर मैं M1 की जगह 1 रखूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा X2, M2 की जगह अगर 1 रखूंगा तो इसे करूंगा तो X1, यानी कि X1 और प्लस में X2 अपॉन में M1 प्लस M2 है ना, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो इसी से फार्मूला क्या बना है, इसी से फार्मूला बना है X1 प्लस X2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपन में 2। तो ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, मध्य बिंदु फार्मूला। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला और देखते हैं एक और, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एक ट्राइंगल देख लेते हैं पहले। हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी और ए के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू और सी के कोऑर्डिनेट है एक्स थ्री और वाई थ्री। उस केस में जब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओगे तो कैसे आपको लगाना है, फॉर्मूला याद भी करना सिखा देता हूँ मैं आपको। 1/2 और ये मोड का सिंबल है। मोड का सिंबल इसलिए क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मोड यानी इसे एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यूज होती है, जब एब्सोल्यूट आप हटाओगे अगर वो नेगेटिव होगी तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, यानी एरिया कभी ट्रायंगल का नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपको मोड का सिंबल यानी एब्सोल्यूट का सिंबल यूज करना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एब्सोल्यूट के अंदर एक्स वन और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, फिर प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2 और फिर एब्सोल्यूट बंद करना है आपको। देखो x1 आया तो y2 है और माइनस में y3 है, 1, 2, 3। फिर x1 हो गया तो अब x1 के बाद x क्या लेना पड़ेगा 2, x2 लिया तो 2 के बाद फिर कहा 3 और 3 के बाद हम आगे जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नंबर 3 ही है, तो 1, 2, 3 के बाद यानी 3 के बाद 1 पे आना पड़ता है ना। तो देखो 1, 2, 3 x1 स्टार्ट किया था तो अब x2, तो 2 के बाद फिर y3 माइनस y1 प्लस x3, क्योंकि x2 हो गया तो x3 आएगा। अब x3 के बाद फिर हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा 1 पे, तो y1, y1 के बाद माइनस y2। ओके, तो 1, 2, 3, 2, 3, 1 और 3, 1, 2। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। लास्ट में हम सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं, केंद्रक। जब एक ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल्स की तीन मीडियंस आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ट्राइंगल्स एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीन मीडियंस, मीडियंस का मतलब जो ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स को, वर्टेक्स साइड से अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो इसमें जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी से कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स वन, ए के कोऑर्डिनेट से एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू और सी के एक्स थ्री वाई थ्री। इस केस में जब इसके जो वर्टेक्स साइड है, जो अपोजिट साइड पर जब इसका मीडियन हम बनाएंगे, तो जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसको भी दो पार्ट्स में और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो जहाँ पे ये बीच में आपस में काटेंगे, जी पॉइंट पे काट रही हैं क्योंकि सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं, तो सेंट्रोइड को मैंने जी लिखा है। तो अगर ये जी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकाल लें, एक्स वाई हमें फाइंड करना हो कि यहाँ पे किस बिंदु पे काटेंगी, तो उस कोऑर्डिनेट को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन में थ्री, और वाई के लिए क्या होता है वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन में थ्री, इससे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उसके। ओके, बाकी एक थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं हम ग्राफ का मैटर, जो ये पूछा जाता है एक वन मार्क्स में, लास्ट ईयर आया था कंपार्टमेंट में इसका एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, इसमें कोई कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगी और बताना होगा फिर कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो ये जो ग्राफ है इसमें ये जो आपस में जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं 0, 0, एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स की भी पॉजिटिव और वाई की भी पॉजिटिव। सेकंड की बात करें तो एक्स जो होता है वो नेगेटिव, वाई जो होता है वो पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ये नेगेटिव के लिए हम सिंबल लगाते हैं। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव, ये चार क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछ लिया माइनस टू कॉमा वन बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, तो माइनस टू कॉमा वन, माइनस देखो कि पहले माइनस एक्स की वैल्यू ये रही और वाई प्लस की, वाई जो है वैल्यू वो प्लस की है, इसको ये एक्स की वैल्यू होती है
ओके, ये एक्स और ये वाई के लिए। तो एक्स कितना है, माइनस का दो माइनस, और वाई जो है पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। मान लो आपसे पूछ लेगा 4, -3 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में। 4 और 3, 4 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, 4। तो ऐसा आप बता सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी। बाकी मेंसुरेशन की आप अलग से देख सकते हो, मेंसुरेशन की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको।